दोस्तों जिन भी स्टूडेंट ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का एग्जाम दिया था उनका इंतजार फाइनल खत्म हो चुका है क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का रिजल्ट आ गया है। ऐसे आप सबने अपने अपने रोल नंबर चेक कर ही लिए होंगे और आप सबको पता चल गया होगा कि किसका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का 2020 का रिजल्ट है उसको 2022 से कंपेयर करूंगा। आपके 2020 का जो रिजल्ट आया था उसमें प्रोविजनल लिस्ट के अंदर कितने कट ऑफ गए थे, मेन लिस्ट में कितने कट ऑफ गए थे, क्या वेरिएशन रहा, उसी के बेसिस पर अब आपको यह पता चल पाएगा कि अभी जो आरपीएससी हुई है उसकी प्रोविजनल लिस्ट के अंदर इतनी कट ऑफ गई है तो मेन लिस्ट के अंदर कितने कट ऑफ जा सकते हैं। बेसिकली मैं इसके बारे में यहां पर बात करने वाला हूं क्योंकि रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। देखो 9 मई 2023 की बात है, यहां पर रिजल्ट आपका केमिस्ट्री का आया है। जैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हो तो यहां पर आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाती है। इस पीडीएफ के अंदर जितने भी रोल नंबर दे रखा है उन सभी स्टूडेंट का यहां पर सिलेक्शन हो गया है। आपकी 122 सीटें थी और यहां पर जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट है वो 249 है, मतलब लगभग डबल स्टूडेंट को यहां पर क्वालिफाई किया है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट इन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट अलग से जारी होगी, उस फाइनल लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उन सभी स्टूडेंट को फिर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर अभी रोल नंबर नहीं दिया गया है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ दे रखे, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, एमबीसी के और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और पीएच कैटेगरी के कट ऑफ यहाँ पर दे रखे है। देखो अभी यहाँ पर इन 5 स्टूडेंट का रिजल्ट रोक लिया गया है जिनको बाद में फिर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब देखो मेन टारगेट अपना है यहाँ पर कंपेरिजन करना। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछली जो आरपीएससी जो 2020 में हुई थी उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है उसकी कट ऑफ यहां पर दे रखी है। प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ यहां पर दे रखी है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। मेन लिस्ट की कट ऑफ यहां पर दे रखी है और अभी जो 2022 की आरपीएससी हुई है उसकी प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ यहां पर दे रखी है। अब देखो यहां पर डिफरेंस समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डालना। पिछले आरपीसी में जनरल कैटेगरी के जो प्रोविजनल लिस्ट के अंदर कट ऑफ गई है 294.28 गई है, मेन लिस्ट के अंदर जो कट ऑफ गई है 310.16 नंबर गई है, लगभग 15 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अभी जो प्रोविजनल लिस्ट के अंदर सेम कैटेगरी में कट ऑफ गई है 312.93 लगभग 313 नंबर यहाँ पर गई है, तो अगर इसमें पर 15 नंबर जोड़ देते तो लगभग 327 के आसपास ये कट ऑफ जाते हैं। मान के चलना 327 आपके कट ऑफ नहीं जाएगी। ये तो पिक्स है कि पिछले की अपेक्षा यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा हुई है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, पिछले आरपीसी में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थे, 160 वहां पर पोस्ट थी, 160 पोस्ट थी, अभी जो आपकी केमिस्ट्री की पोस्ट है वो 122 पोस्ट है, तो कुल मिलाकर सीधा नंबर ऑफ वैकेंसी में काफी डिफरेंस है। कम वैकेंसी होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ बढ़ गई, लेकिन अब जो मेन लिस्ट के अंदर कट ऑफ बढ़ेगी वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि उस पर इंपैक्ट आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे 40% मार्क्स उसका भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। उसकी वजह से पक्का मान के चलना यहाँ पर कट ऑफ में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना तो जरूर है कि कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन एग्जैक्टली कितना बढ़ेगी वो तो फाइनल रिजल्ट आने पर आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आप मान सकते हो कि आपके जो जर्नल के कट ऑफ जाएगी वो 317 से 325 नंबर तक जा सकती है, इससे ऊपर कट ऑफ जाने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया दिया ये पिछले आरपीएससी के प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ है, ये मेन लिस्ट की कट ऑफ है और अभी वाले आरपीएससी के प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ है। इस डिफरेंस को देखकर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना जितना डिफरेंस पहले आ रहा था उतना डिफरेंस अब नहीं आएगा, थोड़ा कम डिफरेंस वहां पर देखने को आपको मिलेगा। ये जनरल कैटेगरी का है, आप एक बार देख लेना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर दे रखा है, एस कैटेगरी के भी यहाँ पर पूरा दे रखा है एनालिसिस हमने, एसटी कैटेगरी का, इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर एनालिसिस, एमबीसी का, एक्स सर्विसमैन और पीएच कैटेगरी का यहाँ पर पूरा एनालिसिस दे रखा है। आप इनको जरूर देखना एक बार और इसके बेसिस पर थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है वर्ड एनए, एनए का मतलब है नॉट अवेलेबल, मतलब जो स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला सके, मतलब जिनके 40% मार्क्स भी नहीं आए हैं वो उनके लिए है। मतलब कुल मिलाकर सीधा सीधा जो है इस कैटेगरी के अंदर एक वैसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 40% मार्क्स आए, इस कैटेगरी के अंदर एक वैसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 40% मार्क्स आए, एनए का मतलब सीधा सीधा ये है। और देखो ये जितने भी कट ऑफ यहाँ पर दी गई है इसका एनालिसिस जब एग्जाम हुआ था, जब पेपर हुआ था उसी टाइम हम कर चुके थे, इन पॉइंट के बेसिस पर हमने एनालिसिस किया है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर हमने कट ऑफ जारी भी करी थी। अप्रोक्सीमेट आपको बताई थी कि लगभग कट ऑफ कितनी जा सकते हैं और आप देख लो ये जो हमने यहाँ पर बताया था लगभग कट ऑफ अभी उतनी ही जा रही है।
इससे आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितना एक्यूरेट हमने एनालिसिस यहाँ पर किया था। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि ये सारा अनुमान उनको भी लग सके। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।